नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के कुछ प्रमुख और बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि महाराजगंज में जिला पंचायत की सभी 47 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जो कि काफी चौंकाने वाले हैं। यहां कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी जिला महामंत्री ओम प्रकाश पटेल और बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मधु पांडे को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं सांसद पंकज चौधरी के भरोसेमंद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष धर्मा देवी के पति नंदलाल को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं निर्दलियों के हाथ लगी सबसे ज्यादा सीटें। आपको बता दें कि जिला पंचायत की 47 सीटों में से 25 निर्दलीय प्रत्याशियों ने इन सीटों पर कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी को जहां 9, वहीं बीजेपी को 7 सीट मिली, जबकि बीएसपी को 3 और कांग्रेस समर्थित 3 सीटों पर जीत मिली है निर्दलियों को, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव काफी रोचक हो गया। आपको बता दें कि अब सारा दारोमदार 25 निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर ही है, क्योंकि जो भी पार्टी इन प्रत्याशियों को अपने पक्ष में करेगी उस पार्टी का अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मुख्तार अंसारी के इलाके गाजीपुर में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहां बीजेपी को 64 में से सिर्फ 7 ही सीटें मिली हैं। गाजीपुर में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का दबदबा बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने 25 सीटें और सहयोगी दलों ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो समाजवादी की पार्टी के पास में 67 में से 35 सीटों पर बहुमत है। ऐसे में गाजीपुर में करारी हार के बाद बीजेपी खेमे में खलबली, तो सपा में उत्साह की लहर नजर आ रही है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चंद्रसेन जी, आपको बता दें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हिलाने वाले या फिर चौंकाने वाले जरूर लग रहे हैं, और क्या आपको लगता है चंद्रसेन जी, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं किसानों का आंदोलन या फिर कोविड का जो हम कह सकते हैं प्रबंधन है, जो मन मुताबिक नहीं हो पाया उसकी वजह से ऐसा हुआ? क्योंकि अगर गांव धाड़ियों की हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर तो जो गांव धाड़ियों के जो मुद्दे होते हैं वो ही ज्यादा हावी रहते हैं और केंद्र के मुद्दे यहाँ पर असरदार नहीं रहते। और गाजीपुर की अगर बात करें, जो कि मुख्तार अंसारी का हम कह सकते हैं क्षेत्र माना जाता है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत हासिल करा है। क्या लगता है इन सब कारणों के पीछे मुख्य वजह क्या रही? उमंग, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी चल रहा है, क्योंकि जो हमेशा स्थानीय चुनाव में समाजवादी पार्टी हमेशा बेहतर प्रदर्शन करती आई है। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि जो कोरोना संक्रमण है और जिसके लिए जो इंतजाम किए जाने चाहिए थे वो प्रदेश सरकार की ओर से वो नहीं हो पाए। ऑक्सीजन की कमी रही, हॉस्पिटल में बेड की कमी रही और इंजेक्शन की कमी रही और अस्पताल के बाहर लोगों ने दम तोड़ा है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता में काफी रोष है, काफी क्रोध है और इसका सीधा साधा असर ये स्थानीय चुनाव में देखने को मिला है। किसान आंदोलन में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई है, क्योंकि जिसके जब जिसकी सरकार होती है उसके खिलाफ एक माहौल बन जाता है और उसका माहौल भुगतना पड़ा। लेकिन अगर पिछला इतिहास भी देखें तो हमेशा स्थानीय चुनाव में हमेशा ही समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन हमेशा बहुत ही जोरदार रहा है। अब जैसा आपने गाजीपुर में की बात करी तो गाजीपुर में जो परिणाम है बहुत चौंकाने वाले हुए हैं। आप देखिए कि मतलब पूरी तरीके से सपा ने कब्जा कर लिया है और 25 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ली और 10 सीटें उसके सहयोगी दलों ने भी ली। तो मतलब जो 67 सीट में 35 सीटों का बहुमत था वो इनके पास में आ गया है। इसी तरीके पूरे उत्तर प्रदेश के नतीजे जो है वो समाजवादी पार्टी के उसमें पार्टी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, और जानना चाहेंगे जिस प्रकार से गाजीपुर के हम बात कर रहे हैं लगातार, तो मुख्तार अंसारी का जैसे कि सभी को पता है वो क्षेत्र रहा है और वहां से भी समाजवादी पार्टी ने बढ़त वहां पर हासिल की है, तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से मुख्तार अंसारी की यहां पर गिरफ्तारी हुई और लगातार उनका जो हम कह सकते हैं कि उनके जो वहां पर समर्थक होंगे या जो उनको चाहने वाले होंगे उसकी वजह से भी वहां पर भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा? उमंग, यूपी की योगी सरकार लगातार माफियाओं को खासकर मुख्तार अंसारी के गैंग पर शिकंजा कस रही है। मुख्तार अंसारी की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद पंजाब से मुख्तार को प्रदेश के बांदा जेल लाया जा चुका है। इन सबसे इधर मुख्तार अंसारी के गृह जिले गाजीपुर में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उसमें बहुत करारा झटका लगा है। अब देखिए, इससे 64 में अगर भाजपा को सिर्फ 7 सीटें मिलती हैं तो ये साफ साफ दिखाता है कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी का किस तरीके का नेटवर्क है, उनका किस तरीके का रुतबा चलता है।
क्योंकि जिसकी सरकार है वो सरकार भाजपा की सरकार में 64 में से 7 सीटें मिलना इस पर संकेत करता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता सरकार की जो आने वाले समय चुनाव है उसमें इनको एक संकट झेलना पड़ेगा, इनके लिए परेशानी का एक सबब बन सकता है। जी, तो अब जिस प्रकार से पंचायत चुनावों को हम कह सकते हैं कि सबसे जो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण और शुरुआती कड़ी होती है आने वाले चुनावों के लिए, भले फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि पंचायतों से ही कई नतीजे बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। तो चंद्रसेन जी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों पर इन पंचायत चुनावों के नतीजों का कुछ असर पड़ सकता है या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से असर पड़ेगा उमंग इस बार, क्योंकि जिस तरीके से लहर है समाजवादी पार्टी में और जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में जिस तरह से ये सफल नहीं हो पाया, असफल कहे जा सकता है, जिस तरीके का क्रोध है, निश्चित तौर से आने वाले जो अगले वर्ष में चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसमें निश्चित रूप से असर पड़ेगा। क्योंकि ग्राम प्रधान जो चुने जाते हैं वो ग्राम पंचायत सदस्य के बाद 75 जिलों में जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। हालांकि जो बागी भाजपा में और समाजवादी पार्टी में जो बागी कैंडिडेट है वो भी जीते हैं और बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण रोल होगा इन बागियों का। दोनों ही पार्टियों ने अपने स्थानीय नेता और जो बड़े नेता हैं उनको बागियों को मनाने के लिए और निर्दलीय जो सबसे ज्यादा जीते 900 से ऊपर की जिनकी सीट है उनको मनाने के लिए इन लोगों ने कमान छोड़ दी और अपने बड़े नेताओं को इस काम में लगाया है कि स्थानीय नेताओं से मिलकर इनसे बातचीत करें और आने वाले चुनाव में जो ये अभी नुकसान दिख रहा है इसकी भरपाई की जा सके। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, लेकिन अगर हम देखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल पर अगर हम नज़र डालें, उनके कुछ फैसलों पर नज़र डालें, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, अभी अगर कोविड प्रबंधन की ही अभी बात कर ले जो कि इस समय चल भी रहा है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ कोविड प्रबंधन में बल्कि कई और उन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जो कि हम कह सकते हैं किसी भी प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण है और बहुत दूरगामी उसके परिणाम देखे जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या लगता है आपको कि क्या कमी रह गई बीजेपी के द्वारा? देखिए, जब पूरे विश्व ने और पूरे देश को ये मालूम था कि दूसरी लहर आने वाली है कोरोना संक्रमण की, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं पूरे देश की बात है, तो उस तरह की व्यापक तैयारियां नहीं की गई। सबको पता था कि जो दूसरी महामारी की दूसरी लहर होती है वो सबसे ज्यादा असर डालती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, जानमाल का नुकसान होता है, तो ऐसे समय में अगर वो तैयारी की गई होती तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छे परिणाम होते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि अब प्रदेश सरकार की बात करें तो जो 100 बेड से ऊपर के हॉस्पिटल हैं क्यों नहीं इनपे ऑक्सीजन के लिए इनको कंपलसरी किया गया कि आप ऑक्सीजन बनाने के लिए आपके पास पूरा सेटअप होना चाहिए, आप एक प्लांट लगाइए अगर 100 से ऊपर बेड है, लेकिन वो तैयारी नहीं की गई, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं करी गई, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं की गई। और उत्तर प्रदेश से कई जिलों से ऐसी खबरें आ रही हैं जो अस्पतालों के पास वेंटिलेटर है वो खराब स्थिति में है, तो उन वेंटिलेटर को क्यों नहीं सुधारा गया, ये जो ऑक्सीजन गैस की किल्लत हुई वो क्यों हुई, जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो किल्लत हुई वो क्यों हुई, मार्केट से पूरी दवाइयां गायब है, अगर किसी को कोरोना संक्रमण गायब आ जाता है तो अगर आप मार्केट में किसी मेडिकल स्टोर में खड़े हो जाइए तो आपको जो डॉक्टर दवाइयां लिखता है कोरोना की वो मार्केट से गायब है। हालांकि इस डैमेज को पूरा करने के लिए क्योंकि सरकार ने काफी प्रयास किया है और 50,000 से ऊपर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, आज मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है कि जो वहां पर की कोरोना संक्रमण के लोग वहां जाएंगे वहां पर आईसीयू से लेके और ऑक्सीजन की सारी व्यवस्थाएं करी गई है। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जो ये वक्त लगा उसमें काफी काफी लोगों की जान चली गई, काफी लोग ऐसे थे जिनको अगर समय से इलाज मिल जाता तो शायद इनकी जान बचाई जा सकती थी। जी बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, बने रहिए हमारे साथ में। महाराजगंज से हमारी संवाददाता पल्लवी त्रिपाठी हमारे साथ में जुड़ चुकी है। पल्लवी, महाराजगंज में भी पूरे उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर बैकफुट पर है और समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर खेल रही है। महाराजगंज के नतीजों की अगर बात करें तो पल्लवी, क्या लगता है आपको, जैसा कि अभी चंद्रसेन जी भी बता रहे थे, कोविड के प्रबंधन की बात हो या फिर किसानों के आंदोलन की बात हो, कहीं ना कहीं ये दो मुख्य कारण रहे बीजेपी की इस हार के पीछे। क्या लगता है आपको पल्लवी कि महाराजगंज में लोगों ने क्या सोचकर समाजवादी पार्टी को यहां पर वोट किया, या फिर जैसा कि अभी चंद्रसेन जी ने भी बताया कि पंचायत चुनावों में लगातार देखा गया, पिछले कुछ पंचायत चुनावों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वहां पर दबदबा रहा है, तो क्या लगता है पल्लवी आपको कि क्या कुछ रहे बीजेपी के वहां से हार के कारण? जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी होती है वो जब से महाराजगंज गोरखपुर से कट के जिला बना तब से चौधरी घराने को मिला, हमारे सांसद पंकज चौधरी को मिला जी। और ये पंकज चौधरी के कभी उनकी माँ कभी बहन कभी पिता, मतलब चौधराना परिवार ही जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे राज किया। अभी पिछले वर्ष
उनके द्वारा एक मनोनीत एक जिला पंचायत अध्यक्ष था जो बागी हो गया, इस समय वर्तमान में सपा में शामिल हो गया। लेकिन यहाँ अभी ये बैठक थी मंत्रियों लोगों की, तो हर जिले में 5 साल के विकास के कार्यों की समीक्षा होती, जिसमें महाराजगंज के पनियरा के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी पूरी फोकस जिला पंचायत पे है, अगर आप चाहते हैं तो जिला पंचायत की 47 सीटें हैं, 47 सीटों में से हम 40 निकाल लेंगे। लेकिन देखने में ये आया कि यहाँ महाराजगंज को भाजपा को 7 सीट मिल पाई, जहाँ सपा को 9 सीटें मिली, और 7 सीटें में महाराजगंज के कुछ जो कैंडिडेट थे बागी हो गए, जैसे हिंदू युवा वाहिनी के नरसिंह पांडे जो गलत पार्टी को वो अपना सैंबल दिए, महाराजगंज महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मधु पांडे थी और उन्हें भी वो भी अपना चुनाव इधर पार्टी से उन्हें मनोनीत किया गया था, लेकिन साथ ही संगीता सिंह उन्हीं के क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रही थी पार्टी के एजेंडे को लेके, जिसमें उनका आरोप है सीधे महाराजगंज की स्थानीय जिला अध्यक्ष पे, सांसद और विधायक पे, कि इनके शय से और इनके देखरेख में वो चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें पार्टी द्वारा उन्हें मनोनीत नहीं किया गया है। तो ऐसे मिला के और किसान मोर्चा हो गई, कोरोना हो गई, इन सबों को लेके महाराजगंज में ये गांव की जो राजनीति गवई राजनीति होती है उससे लेके जिला पंचायत की राजनीति में भाजपा की बहुत ही करारी और शर्मनाक हार हुई है। जी बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया था कि पंचायत चुनावों के जो नतीजे हैं उसके बाद में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राज्य सरकार को और बीजेपी को विशेष तौर पर अब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना ना पड़े। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए चंद्रसेन जी आपका, पल्लवी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।